हेलो फ्रेंड्स, आप ऐसे कोई एक्सपोर्टर हो जिसको पता नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। आप ऐसे कोई इंपोर्टर हो जिसको कोई आइडिया नहीं है कि अगर आपको विदेश में बिजनेस करना है तो उसके लिए ट्रेड फेयर्स कैसे आपको यूज़फुल होगा, कितने टाइप्स के ट्रेड फेयर्स होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 5 वीडियो सीरीज इन हिंदी, स्पेसिफिकली आपको समझने के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होता क्या है। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनी अग्रवाल है। सो फॉर टुडेज वीडियो हम पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसके बाद हम जानेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और सिम्पोनियम्स क्या क्या होते हैं, और हम जानेंगे नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेड फेयर्स के बारे में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आपको एज एन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कैसे ट्रेड शो यूजफुल होंगे, ट्रेड शोज के अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्या है, एंड लास्ट वी विल टॉक अबाउट किसको ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो सबसे पहले चलो समझते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का मीनिंग। सो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक एक्टिविटी होता है, और यू कैन से एक व्यापार फेयर होता है जिसमें अंडर वन रूफ बहुत सारे कंट्रीज के लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे शोकेस करते हैं, और कंपनीज अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की एक ही प्लेस पे कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं यू नो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं एंड रीजनल भी हो सकते हैं। तो चलो वन बाय वन हम समझते हैं नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। नेशनल ट्रेड फेयर मीन्स एक ही कंट्री के बाउंड्री में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है तो दैट इज़ अ नेशनल ट्रेड फेयर। लाइक यू नो इन इंडिया हमारे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ के नेशनल ट्रेड फेयर्स होते रहते हैं। नेक्स्ट कम्स रीजनल ट्रेड फेयर्स। रीजनल ट्रेड फेयर्स आर दोज ट्रेड फेयर्स जो पर्टिकुलर रीजन में भी एशिया स्पेसिफिक, नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफिक रीजन की टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज इंटरनेशनल ट्रेड शो। इंटरनेशनल ट्रेड शो में कंपनीज अलग अलग देशों को टारगेट करती है, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है सो दैट वो अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। चलो मैं अब आपके साथ बात करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। अगर आप फूड इंडस्ट्री में डील करते हो, सो इफ़ यू आर एन एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस बेच रहे हो, आप फूड की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप शुगर सेल कर रहे हो, आप बेकरी आइटम सेल कर रहे हो, तो यू ऑल आर इनटू फूड इंडस्ट्री। फूड रिलेटेड इंडस्ट्री का मैं यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। नेशनल ट्रेड फेयर अगर हम फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में हर साल अन्नपूर्णा नाम का एग्जीबिशन होता है एट प्रगति मैदान दिल्ली। तो वो स्पेसिफिकली इंडिया के रिटेलर, होलसेलर और कंपनीज को टारगेट करता है। रीजन स्पेसिफिक ट्रेड फेयर्स फूड इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो गल्फ फूड हर साल इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी दुबई में गल्फ फूड नाम का एक एग्जीबिशन होता है, विच इज़ अगेन बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेड शो है ओनली एंड ओनली फॉर फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर देयर। तो मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, गो टू दिस वेबसाइट ऑफ गल्फ फूड एंड ट्राई टू सर्च। आप जानो कि गल्फ फूड क्या है, वहाँ पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके एग्जीबिटर्स कौन कौन से थे, कौन सी कंट्री से लोग आए थे। आई होप यू विल डू दैट एंड प्लीज़ राइट इट डाउन इन कॉमेंट बॉक्स कि गल्फ फूड की इंफॉर्मेशन आपको कितनी हेल्पफुल हुई। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेड फेयर्स है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, जो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी अनुगा। हर साल जर्मनी में होता है अनुगा एग्जीबिशन, जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ को टारगेट करता है, नॉट ओनली रीजन स्पेसिफिक बट दुनिया के हर एक कोनों से लोग आके ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ एशिया स्पेसिफिक है, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पूरे वर्ल्ड को मार्केट को आपको टारगेट करना है तो इसमें से कोई भी टाइप का ट्रेड शो आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर योर प्रमोशन। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को यूज़फुल कैसे होता है। सी, अगर आप कोई नई कंपनी हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपका कस्टमर का एंड यूज़र कौन है, आपके कस्टमर ये प्रोडक्ट को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसका पैकेजिंग एंड लेबलिंग कैसे होगा, और आपको आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है तो कस्टमर से फीडबैक लेना है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आपको काफ़ी सारा हेल्पफुल होगा। जस्ट लाइक दैट इम्पोर्टर्स हो, आपको और कोई कंट्री से इंडिया में प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना है तो भी इंटरनेशनल ट्रेड फोर इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ से आप काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लोगों से कनेक्ट करके आप आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ खूब सारे हैं, आप काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स एट वॉट रेट कौन सी प्रमोशन के थ्रू कैसे पैकेजिंग करके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो यस, यू हैव अपॉर्चुनिटी, आप अलग अलग कंट्रीज़ के कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चैलेंजेस है, हाँ, अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो, इनिशियली यू डोंट हैव मच बजट, आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आप सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इनिशियली विजिट करो। पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली इफ़ यू फील दैट आपके पास इतना बजट नहीं है। और लास्ट, हम ये वीडियो में बात करेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किसके लिए यूजफुल है। सो एनीवन, इफ़ यू आर इनटू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, इफ़ आपको एक्सपोर्ट करना है, आपका मार्केट बढ़ाना है, इफ़ आपको आपके कस्टमर से फीडबैक लेना है, आपको सप्लायर्स बेस स्ट्रांग बनाना है, तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सो विद दैट नोट, आज का वीडियो मैं यहाँ पे अंत कर रही हूँ। आने वाले वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कैसे रेडी होना है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के लिए, आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाते हो उससे पहले। सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने वीडियो देखा, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और हमारे नेक्स्ट वीडियो की राह जरूर देखना। थैंक यू। फॉर डिटेल्ड लर्निंग ऑफ ऑल लॉजिस्टिक्स सब्जेक्ट्स विजिट www.logivader.com।